जैसे M6 का सब्जेक्ट है गार्बेज आउट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इसके हमने दो क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे कंप्लीट, डिस्कस करके उनको कंप्लीट कर लिया था। अब ये जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो पूछ रहा है व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम, जो हमारा घर पे जो खाना बचता है उसके साथ हम क्या करते हैं। लेफ्ट ओवर फूड एट होम अलॉन्ग विद अवर किचन वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स पील पेपर और डंपड इंटू कंपोस्ट पिट टू कन्वर्ट देम इंटू मैन्यूअर। देखो उसको हम खाद के लिए तब्दील करते हैं, खाद में कन्वर्ट करने के लिए उसको तब्दील करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए हम खाद के लिए जो जो घर पे ही जैसे वेजिटेबल्स का कुछ बचा हुआ, खाने का कुछ बचा हुआ, इसको हम एक जगह डंप करते हैं। डंप करके बहुत दिनों के बाद इसको जब निकालते हैं तो इसके बीच में से ये खाद जैसी बनी होती है, तो इसको फिर यूज़ करते हैं हम लेटर ऑन। मैन्यूअर इज़ यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स, मैन्यूअर के रूप पे मतलब जो प्लांट्स हम उगाते हैं पौधे कुछ या कुछ सब्जियां उगाते हैं तो उसके बीच में इसको डाल देते हैं फिर, तो ये खाद का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है इफ़ यू एंड यूर फ्रेंड्स आर गिविन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी विच वन वुड यू प्रेफर। देखिए हम दो, आपने देखा होगा बाहर के बाहर के जो स्टेट्स हैं जैसे केरला साइड हो गई, तमिलनाडु साइड, ये क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पत्ते हैं इसके बनाना के उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्लास्टिक के प्लेट दी जाए या पत्ते दिए, आप कौन सा प्रेफर करेंगे, किस चीज़ पे खाने को प्रेफर करेंगे। वी विल सेलेक्ट बनाना लीफ प्लेटर बिकॉज इट कैन बी ईजली कन्वर्टेड इंटू मैन्यूर बॉय कंपोजिट। देखिए हम अगर देखा जाए तो सब कुछ लोग तो नहीं मानेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं प्लेट में ही चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे यार पत्ते पे क्या खाएंगे, लेकिन हमें जो है पत्ता ही यूज़ करना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि वो मैन्यूर में भी काम आ सकता है बाद में कंपोजिट। जो प्लास्टिक है वो फिर यूटिलाइज तो हम कर लेंगे लेकिन उसको बाद उसको डिकम्पोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको वो जो है वो वैसा ही का वैसा रह जाता है प्लास्टिक। वी विल सेलेक्ट, अब आंसर मैं आपको बताता हूँ, वी विल सेलेक्ट बनाना लीव प्लेटर बिकॉज इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इंटू मैन्यूर बाय कंपोजिंग। प्लास्टिक प्लेट कैन बी रिसाइकल्ड बट इन दिस प्रोसेस इट गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एनवायरमेंट। प्लास्टिक आइटम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू मैन्यूर बाय कंपोजिंग। ठीक है, तो इसको हम मैन्यूर में खाद में तब्दील नहीं कर सकते। हाँ इसको रिसाइकल तो कर सकते हैं प्लास्टिक को, फिर उसको मोल्ड करके या कुछ जला गला के पिघला के आकार कोई और दे सकते हैं, लेकिन वो भी हमें नुकसान ही देता है क्योंकि उसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं। तो ये आज था इसके दो क्वेश्चंस, ये भी हमने कंप्लीट कर दिए, तो कल और आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।